Are you ready? Okay. Just a second. Me too now. Okay. Yeah. You're looking good. Wala mommy wala bolo, ha? I hope ki mommy na joke. Welcome back to my channel. और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पॉट पेंटिंग. लेकिन उससे पहले मेरी मम्मी आपको कुछ दिखाना चाहती है, तो पहले वो देख लीजिए. हे गाइस, अगर आप अपने बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं डायपर, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड डायपर पैंट्स फॉर बेबीज, जो कि अनबिलीवेबली सॉफ्ट एंड स्क्रैची है और बना है ब्रीदेबल कॉर्नस्टार्च मटेरियल से. ये फ्री ऑफ लेटेक्स, लोशन, फ्रेगनेंस एंड क्लोरीन ब्लीचिंग है. ये परफेक्टली बना हुआ है उन स्वीट सी नैप के लिए और केयर फ्री ट्रैवल्स के लिए जो बच्चे लेना पसंद करते हैं. और ये 2 times एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन देता है दैन रेगुलर डायपर्स. और इतना ही नहीं, 12 घंटे का लीकेज प्रोटेक्शन भी ये देता है, से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. और ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ डायपर है, इसलिए बहुत ज़्यादा जेंटल है बच्चों की त्वचा पर और बायोग्रेडेबल भी है. मतलब ये सिर्फ बेबीज़ के लिए नहीं तो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. वैसे आप तो जानते ही है ना कि मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स ऑल नेचुरल होते हैं और केमिकल फ्री भी होते हैं. और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो डेफिनेटली हमारा सपोर्ट #vocalforlocal तो बनता ही है. और ये जो कूपन कोड आपको दिख रहा है, इसे इस्तेमाल करेंगे ना आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स के शॉपिंग के लिए, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. और इतना ही नहीं, मम्मा अर्थ की वेबसाइट पर तो ये मिल ही जाएगा, बट अमेजोन एंड फर्स्ट क्राई पर भी अवेलेबल है. और इतना ही नहीं, एक और अच्छी बात, जब भी आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो आपको ऑर्डर के एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे, जिसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पेसिस और पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी. और हाँ, एक चीज़, मम्मा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़. सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कूपन कोड दे दी है, चेक जरूर करिएगा और ट्राई करिए एक बार मम्मा अर्थ का ये पैंट्स वाला डायपर, जो कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा. आई होप कि मम्मी ने जो आपको बताया वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. जैसे कि दिवाली फेस्टिवल जब चल रहा था तो नाना नानी आए थे हमारे घर में, और नाना नानी ने इस बार मुझे दिवाली गिफ्ट दिया है पॉट्स, जो मेरे को पॉट्स पेंटिंग करना बहुत पसंद है. जैसे कि आपको पता है कि मुझे क्राफ्ट्स और पेंटिंग्स बहुत पसंद है, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट्स. और फिर मैं बहुत खुश हुई थी, देख के बहुत खुश हुई थी, और फिर मैं बहुत हैप्पी हो गई थी. तो फिर मैं जैसे पेंटिंग करने आई, तो कभी कभी नाना भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे थे. तो नाना भी मेरे साथ एक दो पेंटिंग किए थे, जैसे कि एक ब्लैक वाला पॉट बनाए थे नाना, जिसमें बहुत सारे पोल्ट्री डॉट्स वाले फ्लावर्स बनाए थे, और वो बहुत सुंदर लग रहा था. लेकिन नाना ने थोड़े से क्रिएटिव ज़्यादा नहीं लाए थे, लेकिन वो अभी भी अच्छा लग रहा है. तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे पॉट्स, ये देखो अच्छे हैं ना. पॉट पेंटिंग्स के लिए ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए होती, बस चाहिए होता है एक पॉट, पेंट और ब्रश बस. और अगर आपको पैटर्न्स बना रहे हैं तो वो कुछ चाहिए होता है ना, जैसे वो ईयरबड्स चाहिए होता है डॉट्स, फोन का डॉट्स बनाने के लिए, तो आप वो सब यूज़ कर सकते हो. तो मैंने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के बनाए हैं. जैसे मैंने एक पिंक पॉट बनाया, उसमें सुंदर सी लीव्स बनाए हैं, और मैंने एक ब्लू वाला, नहीं येलो वाला या ब्लू वाला पॉट बनाया, जिसमें मैंने लाइंस बनाया, फिर अच्छे अच्छे ऐसे डॉट्स बनाती गई हूँ मैं, और वो बहुत सुंदर दिख रहा है. और जैसे कि आपको पता है कि मटके वाले प्लेट्स भी आते हैं, मैंने उनको भी पेंट किया है. और टोटल मैंने मटके को 7 to 8 मटका पेंट्स कर लिया, और सेम विद प्लेट्स ऑल्सो 7 to 8 और 6 to 7 पेंट्स कर लिया मैंने.
और पॉट पेंटिंग्स मुझे हमेशा ही एक्साइटिंग बनाती है, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे पेंटिंग करना तो सबसे ज़्यादा पसंद है। आप देख ही सकते हो कि मैंने अपने दीवार में इतने सारे पेंटिंग्स करके चिपकाए हुए हैं। और मेरे बर्थडे में सिमी दीदी ने मुझे वो लाइट्स भी दिया था टांगने वाला, तो मैंने उसमें भी क्राफ्ट्स टांगे हैं बहुत सुंदर से। तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, ये देखो। तो हमारा दिवाली फेस्टिवल अच्छा गया था, और इस साल का थोड़ा अच्छा नहीं चला क्योंकि कोरोना वायरस से, लेकिन हमने सेलिब्रेट किया था अच्छे से। हमने पूरा घर डेकोरेट किया था और मैंने पॉट्स पेंटिंग किए थे, तो उससे मैंने अंदर दिया लगाए थे। नाना ने मुझे एक तरीका बताया था, उसके अंदर पानी डाल दो और फिर दिया लगा दो तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ऐसे लगाते गई और पूरा ऐसे सजाते गई। और मैंने दिवाली में रंगोलीज भी बनाई थी बाहर और अंदर, और प्लस विथ माय मॉम ऑल्सो मैंने रंगोली बनाई थी। और मेरी मम्मी ने भी, आपने देखा होगा मम्मी का व्लॉग जिससे मम्मी ने डेकोरेशन किया था एकदम फ्लावर से, लीव से और तोरण से और कंदील से। मैंने भी कंदील का क्राफ्ट बनाया था जैसे मम्मी ने व्लॉग में दिखाया था अपने। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देखो, नाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो तो पक्का ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।